हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और आज हम आपकी यूनिट नंबर सेकंड, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट 5 से 6 मिनट में इसको कवर कराने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बिना टाइम अपना वेस्ट किए। देखिए, जो आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है डाइफ्रैक्शन पैटर्न की, उसके लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आपके पास में फेजर मेथड का आपको यूज़ करना है। क्लियर, फेजर डायग्राम है आपके पास में, उसका यूज़ करना है। और वो जो फेजर डायग्राम है, किसके बेसिस पे काम करेंगे, एसी सर्किट्स के बेसिस पे आपके पास में वो काम करेंगे। अब फेजर मेथड्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव आपके लिए रहेगा, लेकिन उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे साइंटिस्ट थे हाइजेंस, उन्होंने ये कहा था लाइट के बारे में कि अगर लाइट जो है हमारे एटमोसफेयर के अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, अगर उन लाखों करोड़ों पार्टिकल्स पर लाइट जा कर के टकराती है, तो टकराने के बाद में हर एक पार्टिकल जो उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो अलग से एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो यही चीज का यूज करते हुए हमारे पास में नीचे एक स्लिट है। ये स्लिट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्लिट, जिसकी जो वाइट है उसको हमने डी मान लिया है। ये वाइट जो है, टोटल डिस्टेंस जो है डी है। और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आएगी, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने एन सोर्सेज के अंदर, यानी कि यहाँ पे ऐसा हमने मान लिया हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और हर एक पार्टिकल अलग से एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि ये जो आपको ब्लैक कलर से डॉट दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस स्लिट के स्पेस के बीच में। क्लियर। तो यहाँ से जो आपके पास में रे ऑफ लाइट्स या वेवलेट्स या फिर वेव फ्रंट जो आएंगे, इन पार्टिकल्स की वजह से अलग अलग लाइट सोर्स, लाइट रेज के अंदर, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे स्लिट के बीच में जो एरिया, वहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स होंगे जो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। उसी वजह से हमने यहाँ पे एन सोर्सेज मान लिया है। क्लियर। उसके बाद में देखिए, फिर से ये जो रे ऑफ लाइट हैं, ये कहीं ना कहीं तो स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच रही होंगी। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेंगी, तो जो रे ऑफ लाइट हैं, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर ऊपर से हम शुरू करते हैं, नीचे की साइड चलते जाएंगे, तो जो पाथ डिफरेंस वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हमने ये जो पार्टिकल्स माने हैं, एन सोर्सेज ऑफ लाइट हमने माने हैं, ये इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी कि हर एक जो लाइट सोर्स की अपने से अगले से जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। अब वो कैसे, जो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है डी और सोर्स कितने हैं एन, सोर्सेज में डिवाइड किया गया है। अब मान लीजिए ये 10 mm की टोटल डिस्टेंस है समझने के लिए, और एन सोर्सेज मान लो इसको हमने जो है 10 सोर्सेज में डिवाइड किया है, टोटल 10 सोर्सेज मान लीजिए, तो हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 mm आ गई है। क्लियर। और ये अभी हमने स्टडी किया कि जो पाथ डिफरेंस है, अगर हम इस पॉइंट से नीचे की साइड जाते जाएंगे, तो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जो रेज आपके पास में पॉइंट पी पे पहुंचेंगी, हर एक रे का अलग अलग, हर एक रे जो है अलग अलग डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। जो पाथ डिफरेंस होगा वो, जैसे यहाँ पर आपके पास में इन रेज के बीच में डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो पाथ डिफरेंस टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई साइन थीटा, जो हम कल वाले वीडियो में देख चुके हैं
कि ये जो डेल्टा वाई साइन थीटा है या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, ठीक है, वहां पे हमने इसको ए माना था, यहां पे इस केस में हमने डी मान लिया है, क्लियर। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो नीचे तक लास्ट वाली का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस दैट इज डी साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास में डी साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस जो कि फर्स्ट और लास्ट वाली वेव के बीच में है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, यही चीज जो फेजर डायग्राम से कैलकुलेट की जाएगी, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, इतना आप याद रखना और इतना आप देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जैसे ही स्लिट से लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा कहां पे दिखाई देगी, ठीक है, तो वो ज्यादा जहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी पास होते हुए वहां पे ज्यादा। तो अब यहां पे आप देखिए, अगर ऐसे आपके पास में ये स्लिट है और ये स्क्रीन है तो लाइट जो सोर्सेज है वो यहां से ऐसे पास हो रही है, वेवलेट्स कहो रेज कहो, तो उसकी इंटेंसिटी सेंटर में ज्यादा होगी और इसी वजह से आपको यहां पे फिगर में ड्रॉ करके दिखाया गया है कि जो लाइट यानी कि डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा उसकी इंटेंसिटी जो है सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है वहां पे ज्यादा है। और उसके हम लेफ्ट साइड या राइट साइड, जब हम स्क्रीन के लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, जो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो बनेगा यानी कि जो डार्क और ब्राइटनेस यानी कि डार्क ब्राइट जो एरियाज जो बनेंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्लियर, लेफ्ट साइड और राइट साइड या आइदर साइड। तो अब डायरेक्ट हम थोड़ा फॉर्मूला पे और बात कर लेते हैं और स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाली पीक के लिए ही है क्योंकि सेंटर में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम है और इसके बाद आप इसके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड में भी आप देख सकते हैं और इधर आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसी के लिए ये कैलकुलेशन है बेसिकली। तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी वो कितनी होगी, उसके लिए ये फॉर्मूला आपको जो है ध्यान रखना है, इट इज फॉर सिंगल स्लिट डाइफ्रेक्शन। और इसको कैलकुलेट किसकी वजह से किया गया है, फेजर्स की हेल्प से इसको कैलकुलेट किया गया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपके पास में स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे, जैसे यहां पे पॉइंट पी माना है उस पॉइंट पे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई नॉट क्या है, जो आपकी इनकमिंग लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी, यानी कि ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। और आई क्या है, स्क्रीन के ऊपर जो लाइट यानी कि जो डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो बन रहा है उसकी इंटेंसिटी आई है। और आई नॉट जो इनकमिंग जो इंसिडेंट ओरिजिनल लाइट है उसकी इंटेंसिटी है, और दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रेकेट साइन बीटा बाई बीटा होल स्क्वेयर। अब बीटा क्या है, ठीक है, बीटा ध्यान रखना एक साधारण एंगल नहीं है, ठीक है, बीटा को ऐसे आप याद रखना, बीटा का जो रिलेशन है वो क्या है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाना, ठीक है, आप इतना ही याद रखना पाई कैपिटल डी साइन थीटा बाई लैम्डा। अब पाई जो है फेजर डायग्राम की हेल्प से लिया गया है, ठीक है, ये बेसिकली आर्क वहां पे बनेगी फेजर डायग्राम में और वहीं से इसका यूज किया गया है। डी जो आपके जो स्लिट है उसकी वाइड है, जो कल वाले में हमने ए लिया था। थीटा आपके पास में एंगल है जो ओरिजिनल लाइट है और जो एजेस के अराउंड जो बेंड हो रही है लाइट उसके बीच में एंगल है। और लेमडा जो आपने लाइट यूज की है उसका वेवलेंथ, यानी कि जिस कलर की आपने लाइट यूज की है उसका वेवलेंथ है। तो उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।